हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, लीब्रा कैल्क सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और यहां पर देख सकते हैं कुछ नंबर्स हमने लीब्रा कैल्क में लिख रखे हैं। अब ये जो नंबर हैं इनका फॉर्मेट देख लीजिए, ये कुछ ऐसे फॉर्मेट में है कि ये आपको देखिए, जैसे मान लीजिए किसी वस्तु की कीमत होती है तो वो रुपए में लिखा होता है, ठीक है, या करेंसी फॉर्मेट में होता है। तो अभी फॉर्मेट चेंज करने के लिए हमको क्या प्रेस करना है, तो आपको अगर फॉर्मेट चेंज करना है लीब्रा कैल्क में तो कंट्रोल के साथ वन प्रेस करना है, अल्फा न्यूमेरिक की वन। तो जैसे ही वन प्रेस करते हैं हम, तो ये फॉर्मेट सेल्स वाला डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। अब इसमें आपको करना क्या है, करेंसी फॉर्मेट रखना है, क्या रखना है वो देख लीजिए। तो अगर करेंसी फॉर्मेट रखना चाहते हैं तो यहाँ से ये रख लीजिए, और यहाँ पर देख सकते हैं लैंग्वेज दिया हुआ है। तो हमको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर डिफॉल्ट यूके लैंग्वेज पड़ी हुई है, हमको यहाँ पर इंग्लिश इंडिया सर्च करना है, ठीक है। अब देखिए इंग्लिश इंडिया आ रहा है, तो जैसे ही इंग्लिश इंडिया करेंगे यहाँ पे, तो ये देखिए ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, और यहाँ पर आपको ओके प्रेस करना है। तो ओके प्रेस करेंगे, देखिए ये देखिए अभी ये अलग सिंबल आ रहा है, यहाँ पे इंडिया का सिंबल नहीं है ये। तो आपको करना क्या है, आपको सीधा चले जाना है ये फॉर्मेट करेंसी वाले जो यहाँ पे विंडो दिख रही है, यहाँ पर आ जाइएगा और यहाँ पे रुपया मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये आ रहा है इंग्लिश, ठीक है, यहाँ पे हिंदी रुपया आ रहा है, तो इस पर क्लिक करके और यहाँ से ओके कर दीजिए, तो ये सब रुपया में कन्वर्ट हो जाएगा बहुत ही आसानी के साथ। तो आई होप कि ये बात समझ में आई होगी कि ये किस तरह से हम इसको करेंसी फॉर्मेट बदल सकते हैं, ये सब रुपया बदल गया देख सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।